संजय सिंह और आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जकूस। तो आज हम लोग आ चुके हैं भारत के मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर शहर में, जहाँ पर चल रहा है ग्वालियर ट्रेड फेयर, ग्वालियर व्यापार मेला। मेरी वॉइस शायद इतनी अच्छी आवाज़ नहीं आ पा रही होगी क्योंकि क्राउडेड बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा वॉइस है यहाँ पर। ये है ग्वालियर व्यापार मेला का मेन गेट, ग्वालियर व्यापार के गेट नंबर 1 से जो कि मेन एंट्री है। यहां से एंटर होते ही आपको शिल्प बाज़ार दिखाई देगा और यह प्रतिवर्ष अलग अलग जगहों पर लगा दिया जाता है। इस बार यह गेट नंबर 1 पे लगाया गया है। इस बार शिल्प बाज़ार में बहुत अधिक दुकानें देखने को नहीं मिली हैं। अधिकतर यहाँ पर जो हाथों से निर्मित वस्तुएं हुआ करती थी उनकी बिक्री की जाती थी और जो भी ग्राहक आते थे वो उनको ले जाते थे, पसंद करते थे। बट इस बार मुझे बहुत ही निराशा हुई है। यहाँ पर अगर आप आना चाहते हैं वस्तुओं को लेने के लिए हाथों से निर्मित, तो वो थोड़ी सी आपको निराशा यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये पूरा शिल्प बाज़ार था। पहले जो भारत के अलग अलग प्रांतों से दुकानें आती थी यहाँ पर शिल्प बाज़ार में, वो इस बार देखने को नहीं मिली हैं। शिल्प बाजार को देखने के बाद में अब मेला में बनी हुई दुकानों के लिए हम लोग जा रहे हैं। अगर आपको घुड़सवारी करनी है तो इस तरह के आपको यहाँ पर घोड़े वगैरह भी मिल जाते हैं। मेले में अगर आपको घर का सामान चाहिए हो तो ये वाली जो दुकान है ये बहुत ज़्यादा फेमस है और ये हर सालीना लगाई जाती है, जिसमें भिन्न भिन्न तरह का के जो घर में यूज़ होते हैं प्रोडक्ट वो इसमें मिल जाते हैं और काफ़ी सही रेट में यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये दुकान गेट नंबर 1 के बिल्कुल सामने लगी है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं कुछ भी ख़रीदारी करने के लिए। मेले के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में आपको ये दुकान दिखाई देगी जो कि पंडित जी के शूप के नाम से मशहूर है और यहाँ पर आप सूप वगैरह पी सकते हैं। तो मेले में घूमते हुए आपको ब्रजवासी की ये बड़ी सी दुकान दिखेगी, यहाँ पर आप नाश्ता पानी कर सकते हैं, सॉफ्टी वगैरह यहाँ पर मिलती है वो खा सकते हैं। और यदि आपको रील बनाने का शौक़ है तो यहाँ पर इस तरह का इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है जिस पर आप अपना मोबाइल फिक्स कर एक घूमती हुई वीडियो बना सकते हैं और इसका जो प्राइस होता है वो 10 से 20 रुपए भी ले लेते हैं ये। मेला बहुत बड़ा है और इसकी पहचान बनाने के लिए इसको सेक्टरों और छतरियों में बांटा गया है। छतरी वह जगह होती है जहां से चार रास्ते जाते हैं। मेले में अगर बात करें खाने पीने की तो यहाँ के जो पापड़ होते हैं और यहाँ का खजला बहुत ज़्यादा फेमस होता है। अगर आप यहाँ आते हैं तो इनका सेवन जरूर करें, इनको चक्कर जरूर देखें। सॉफ्टी और आइसक्रीम को बेचने का एक ये नया तरीका सा चल गया है, ये मैंने कई जगह देख लिया हुआ है और इस तरह से कस्टमर के साथ में मजाक करते हुए कस्टमर को आइसक्रीम पेश करते हैं, पर ये मुझे कुछ खास दिखाई नहीं दिया। इन सब को देखते हुए अब हम लोग आ चुके हैं झूला सेक्टर में, जो कि ग्वालियर की जान माना जाता है और अधिकतर जो भी लोग आते हैं वो झूला को झूलने के लिए ही आते हैं, क्योंकि सामान और ये सब तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं पर झूले का आनंद आप ऑनलाइन नहीं ले सकते हैं, उसके लिए आपको मेले आना ही होगा। और यहाँ पर कई तरह के भिन्न भिन्न झूले हैं और मुझे झूले से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसीलिए मैंने इनकी किसी का भी सवारी नहीं की है। पर अगर आप लोग आते हैं और झूलना चाहते हैं तो आप यहाँ पर खतरनाक और रोमांचक झूलों का आनंद ले सकते हैं। और अगर इनकी किराए की बात करूँ तो कोई सा भी झूला झूलते हैं आप उसका 50 रुपये लगता है।
एक फिश टनल बनाया हुआ है जिसके अंदर जाते ही आपको ऐसा लगेगा कि मानो किसी नदी के अंदर जा रहे हों और आसपास मछलियां घूम रही हों। इसको देखने का जो टिकट है वो 50 रुपये का है और ये झूला सेक्टर में ही आता है। और यहाँ पर भिन्न भिन्न तरीके का जादू दिखाया जाता है, तो वो अगर देखना है तो यहाँ पर बैठकर आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं ग्वालियर मेले के ऑटोमोबाइल सेक्टर में और यहाँ पर कई सारी कंपनियों ने अपने शोरूम खोले हुए हैं जहाँ पर आप मोटरसाइकिल्स, स्कूटी और टमटम से लेकर कार वगैरह भी आप यहाँ पर प्रदर्शनी में देख सकते हैं और यहाँ पर बुकिंग करवा सकते हैं। यहाँ पर बुकिंग करवाने का जो फ़ायदा आपको मिलेगा वो ये रहता है कि यहाँ के जो टैक्सेस होते हैं, जैसे रोड टैक्स होता है या फिर RTO टैक्स जो होते हैं, उसमें आपको 50% तक की छूट मिल जाती है। वीडियो बनाते हुए मुझे ध्यान आया कि आज 22 जनवरी है और आज हमारे अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। तो बहुत ही अच्छा ये आज का दिन है और मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि हमारे 500 साल के परिश्रम के बाद में आज हमें सफलता मिली है और श्री राम के दर्शन करने को अब हमें मिलेंगे अयोध्या में। तो ज़ोर से बोलिए जय श्री राम। तो इस तरह से हमने मेले की जो मुख्य जगह थी वहाँ पर हमने घूमा है। मेला बहुत बड़ा होता है, इसे एक दिन में घूम पाना थोड़ा मुश्किल होता है। और अब हम लोग चलते हैं पार्किंग में। पार्किंग का जो प्राइस है वो कार है तो उसका 40 रुपये होता है और यदि 2 व्हीकल्स हैं या मोटरसाइकिल है तो आपका 20 रुपये होता है। और अधिक वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को तो लाइक कर दीजिए और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।